रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल की वीडियो में 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, आज हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ रोम इन 1958। याद रखिए कि जो ट्रीटी ऑफ रोम है ये 1957 में साइन हुई थी और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1958 में कायम की गई थी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, इसको आपने याद रखना है क्योंकि आगे जाके यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज इनफॉर्मली नोन एज द कॉमन मार्केट। और ये एक कैसी कम्युनिटी थी, सिक्योरिटी के लिए नहीं, कोई मिलिट्री कम्युनिटी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक कम्युनिटी थी। और ये इकोनॉमिक कम्युनिटी क्यों कायम की गई, ताकि लोगों को चार तरह की आज़ादी हासिल हो, फोर फ्रीडम्स। कौन कौन सी फोर फ्रीडम? फ्रीडम टू मूव, और इसके अलावा जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, और जो मनी है, यानी इन लोगों की गुड्स की, सर्विसेज की और मनी, इन चार चीज़ों की फ्रीडम, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ सकें जा सकें। नेक्स्ट इज, इट वाज द एम ऑफ द डैश टू ब्रिंग इवेंचुअल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ इट्स मेंबर नेशंस अल्टीमेटली लीडिंग टू पोलिटिकल यूनियन। तो EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। द बर्लिन वॉल दैट सेपरेटेड द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1961। ये कोल्ड वार पीरियड का एक इवेंट है, बर्लिन वॉल का एस्टैब्लिश किया जाना, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों का अलग अलग होना, और जिस आयरन कर्टन जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। आयरन कर्टन कॉन्सेप्ट क्या है, एक इमेजिनरी लाइन थी जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। एक पार्ट वो था जिस पे कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था, और दूसरा पार्ट वो था जिस पे कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस था। द यूरोपियन कम्युनिटी इवेंचुअली चेंज्ड इट्स नेम टू यूरोपियन यूनियन। 1993 में एक्चुअली इसका नेम चेंज हुआ था, लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई वो 1992 में साइन हुई, और उस 1992 में साइन होने वाली ट्रीटी में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC का नाम बदल के यूरोपियन यूनियन रख दिया गया, और आज आप यूरोपियन यूनियन को जानते हैं। द वर्ड फॉर ए परमानेंट रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वार इज डिटेंट। ईस्ट एंड वेस्ट का मतलब क्या है, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। एक ब्लॉक जिसको USA लीड कर रहा था, और एक ब्लॉक जिसको USSR लीड कर रहा था। द टर्म डिटेंट इज़ यूज टू मीन परमानेंट रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन अकर्ड इन अप्रैल 1961। ये क्या है, ये कौन सा इवेंट है, ये भी कोल्ड वार पीरियड का इवेंट है, द बे ऑफ पिग्स। और इसमें एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पीरियड था, उस वक्त कौन सा जो US प्रेसिडेंट था वो इन पावर था, ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है। अभी मैं आपको बे ऑफ पिग्स एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली CIA ने जो उस वक्त का क्यूबा का प्रेसिडेंट था फिडेल कैस्ट्रो, उसे पुश करने की कोशिश की थी, उसे पावर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो अटैम्प्ट थी ये मुकम्मल तौर पर एक फेल्ड अटैम्प्ट थी, और फिडेल कैस्ट्रो के बाद भी बहुत अरसे तक उसने क्यूबा को रूल किया। इस सारे इवेंट को द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा जाता है। ये कब हुआ, अप्रैल 1961 में। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन वाज अगेंस्ट फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो कहाँ का था, क्यूबा का। द फेमस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड इन अक्टूबर 1962। 13 डेज की ये कॉन्फ्लिक्ट थी, अक्टूबर 1962। यहाँ पर 61 लिखा हुआ है, आपने अक्टूबर 1962 याद रखना है। The two decades after the World War II, Western Europe underwent an atmosphere termed as the Golden Years. कब की बात हो रही है, वर्ल्ड वार टू के बाद की दो डेकेड्स की, उन्हें गोल्डन ईयर्स के तौर पे जाना जाता है। टू एरिक हॉब्सबॉम, ये एक मार्क्सिस्ट है, कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एरिक हॉब्सबॉम। उसका क्या कहना था कि द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच बेनिफिटेड द कॉमन मैन आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द गोल्डन ईयर्स। अब यहाँ पर वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कॉमन मैन के लिए, ना कि एलीट क्लास के लिए, और ना कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनके लिए। द USSR वॉज एबल टू टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन 1949। जो मॉडर्न डे कजाकिस्तान है, इसकी एक जगह पर ये टेस्ट किया गया था, जबकि US जो है उसने 1945 में फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है एटॉमिक बॉम्ब का वो कर लिया था।
Which of the statement is correct? The decades after the end of World War II was a period of unparalleled economic growth in Europe. It came to be known as the golden years. तो ये दोनों statements हैं, one और two, ये both are correct. तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है. Which of the statement is correct? The quality of life improved in the second half of the 20th century. It was because of the World War II. तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस नहीं किया, बल्कि उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम किया. नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, जिसमें हम डीकोलोनाइजेशन, रेवोल्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इसको डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस वेयर बाय एन इम्पीरियल पावर गिव्स अप, यानी वो छोड़ देती है इट्स फॉर्मल अथॉरिटीज़ ओवर इट्स कॉलोनीज, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकोलोनाइजेशन. डीकोलोनाइजेशन क्या प्रोसेस है? जिसमें इम्पीरियल पावर एक जगह, जहां पर जिस जगह को उसने अपनी कॉलोनी बनाया होता है, वहां पे पावर लोकल्स को हैंडओवर कर देती है और वहां से चली जाती है. इस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन कहते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स लिंक्ड बाय देयर कॉमन टाइज टू द फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ. स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, लिंक्ड बाय देयर कॉमन टाइज टू द फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ. नेक्स्ट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ कॉलोनियल पावर ग्रांट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस टू अ कॉलोनी बट नेवरदिलेस मेंटेन्स अ डिफेक्टो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल इज नोन एज न्यो कॉलोनियलिज्म. न्यो कॉलोनियलिज्म में जो इंपीरियल पावर्स हैं वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रही हैं, बल्कि डिफेक्टो रूल है उनका इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल. तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यो कॉलोनियलिज्म. ऑन 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम हॉलैंड. अब यहाँ पर दी नैदरलैंड्स अगर वर्ड आ जाता तो फिर भी ठीक था. तो हॉलैंड और दी नैदरलैंड्स को आप इस वक्त एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में एक ही समझें. इंडोनेशिया ने किससे ज़्यादा हासिल की, दी नैदरलैंड्स या हॉलैंड? दी कॉलोनीज इन इंडो चाइना गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस. इंडो चाइना की बात हो रही है, आप इसे सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. कोंगो, रवांडा एंड ब्रोंडी वर द कॉलोनीज ऑफ द बेल्जियम. तो ये किसकी कॉलोनीज थी? ये बेल्जियम की कॉलोनीज थी. श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948 फ्रॉम ब्रिटेन, और इसका अर्ली नेम क्या था? सेलोन. और इसने किससे आज़ादी हासिल की? ब्रिटेन से. कब? 1948 में. बर्मा, जिसका मौजूदा नाम है म्यांमार, वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. आपको पता है कि ये सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साथ है. इंडिया इसके साथ अपने बॉर्डर भी शेयर करता है, बांग्लादेश भी इसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है. बाय द जिनेवा एग्रीमेंट 1954 वियतनाम वाज टेम्पोरेरीली डिवाइडेड इंटू टू स्टेट्स एट 17th parallel. 17th parallel क्या है? ये एक डिमार्केशन लाइन है, एक बाउंड्री लाइन है, जो कि साउथ वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथ और नॉर्थ वियतनाम है. तो ये किस एग्रीमेंट के तहत ये डिमार्केशन लाइन खींची गई? जिनेवा एग्रीमेंट 1954. हमने 50 MCQs को डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 MCQs को डिस्कस करेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.